देखिए बेटा, आपका बच्चा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन जो आपकी लेटेस्ट एडिशंस आ रही हैं उसके अंदर इस फर्स्ट चैप्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया है। एक पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन छोड़ दिया गया है, छोटा सा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। मेजर जो चैप्टर है वो यही वाला है आपका, जो सेकेंड पार्ट के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना हमें एक वर्ड को जानना है, ठीक है? वो वर्ड क्या है सर? स्कार्सिटी। वर्ड का नाम क्या है सर? लास्ट क्लास में ये डिस्कशन भी हुआ था हमारा, स्कार्सिटी किसे कहा जाता है। सर स्कार्सिटी का मतलब होता है कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स, कि हमारी इच्छाएं क्या है सर? बिल्कुल अनलिमिटेड है, बट लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है सर? काफी लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के भी क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, आपको स्कार्सिटी क्लियर हो जाएगा। अभी बेटा आप इस रूम में बैठे हो, आप अगर ऊपर देखोगे तो दिवाली मन रही है, सारी लाइट्स ऑन है, सारे पंखे ऑन है, एसी ऑन है, सब कुछ ऑन है। क्यों सर? इस टाइम पे बिजली नाम का जो रिसोर्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी नाम का रिसोर्स, अभी मेरे पास क्या दिख रहा है? मेरे को अनलिमिटेड दिख रहा है, क्योंकि सर लाइट आ रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड। तो हम उसको यूज भी क्या कर रहे हैं? पूरे तरीके से। लेकिन सर अगर इसी का अपोजिट सोचो कि अभी लाइट चली जाए और ये पूरा का पूरा हॉल जो है वो इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाए, तो सर आप क्या करोगे? दो पंखे चलाओगे, पैनल बंद कर दोगे, एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, लाइटें सारी बंद हो जाएंगी, एक ही लाइट जलाओगे। क्या हुआ? क्योंकि सर अब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की जो यूजेज थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो अब इच्छाएं क्या है हमारी? अनलिमिटेड। इलेक्ट्रिसिटी की जाने पे जैसे होता है उसी तरीके से बेटा हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्स के भी यूज क्या है? अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है? एसी, पैनल, पंखा, ठीक है, कैमरा, लाइट्स। तो यानी सर उस एक इलेक्ट्रिसिटी नाम के रिसोर्स के जो यूजेज है वो क्या है? अल्टरनेटिव है, कई जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। समझ आ गया होगा आप स्कार्सिटी अच्छे से? क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है, अब सर स्कार्सिटी तो हम समझ गए। बेटा ये जो स्कार्सिटी टर्म है ना, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। दुनिया में मतलब हर दुनिया के कोने में चले जाओ, चाहे वो डेवलप नेशन है, चाहे वो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप नेशन है, हर जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगी? स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, हर दुनिया के देश में कोई ना कोई कमी पाई जाती है। अब सर एग्जाम्पल दे दो कमी का। बेटा आप समझो, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं गर्मियों में, गर्मियों में हम बाहर निकलते हैं और हम क्या करते हैं? छतरी ले लेते हैं। सर्दियों में भी आजकल क्या हो गया, टैनिंग हो जाएगी, तो हम क्या कर रहे हैं? पूरा कवर करके निकलते हैं। ठीक है, गर्ल्स अगर स्कूटी पे देख लो, ऐसे लगता है सीधा पाकिस्तान से यहाँ पे लैंड करी है, अभी बस मुंह आंखें आंखें दिख रही होती हैं, कभी भी हमला हो सकता है, बच जाओ, है ना? अब क्या हो रहा है, हम धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं टैनिंग के नाम पे, समझना। क्यों सर? यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है ना वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, अब बेटा दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे धूप नहीं निकलती, और वो इंडिया के अंदर 5 से 10 लाख रुपए खर्च के, आपने देखा होगा गोवा के बीचेस पे पड़े हुए होते हैं वो सन बाथ लेने आते हैं यहाँ पे, कि सर हमें धूप मिल जाए, शरीर खराब हो रहा है हमारा, हमें फ्री में मिल रही है, हम ढक के चल रहे हैं, उनको पैसे दे के 8-10 लाख रुपए खर्च के क्या करने आना पड़ता है यहाँ पे? सिर्फ सन बाथ लेने आना पड़ता है। तो समझ आ रहा है क्या रीजन है? तो कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं हम धूप से परेशान है, वो बिना धूप के परेशान है। तो हर दुनिया के देश में कोई ना कोई कमी क्या करती है सर? एग्जिस्ट करती है, वो स्कार्सिटी होती है। उसी कमी को देखते हुए बेटा ये चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले 6 मार्क्स में आता था, अब 4 मार्क्स में आने लग गया है, लेकिन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है और उसके कारण क्या है? देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक रीजन बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू स्कार्सिटी। किसकी वजह से पढ़ते हैं सर? ड्यू टू स्कार्सिटी, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, तो उन संसाधनों को, रिसोर्सेज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं बेसिकली। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज। सर सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही क्यों है, ये समझा दो। प्रूव दैट इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, या सर हमें ये बता दो कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो साइंस है किसकी? चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अभी फिर से समझाऊंगा डिटेल में कैसे। अब बेटा ये जो 3 क्वेश्चंस है ना आपके, ये इन तीनों के आंसर सेम है, लेकिन ये एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपके पहले वाले नोट्स भी आपने देखे, मैंने बार बार आपको रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को मैं जितनी बार बोर्ड में जिस जिस तरीके से आया है ना उस तरीके से लिख के दूंगा आपको नोट्स के अंदर ही,
ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना कि हमें आता नहीं है, ठीक है। अब पहला हम समझते हैं बेटा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये तो समझ आ गया सबको तीनों जम, अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस। इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच अराइज ड्यू टू द अनलिमिटेड वॉन्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बींग एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम। तो सर इसका आंसर तो हमें मिल गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर क्यों अराइज होती है, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ चॉइस मेकिंग। रॉबिन्स ने कहा भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, सिंपल चॉइस मेकिंग है। चॉइस मेकिंग समझ लो क्या होता है। अभी बेटा देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या मैं अभी यहाँ पे कोई भी चॉइस कर रहा हूँ अपनी कि मेरे को ये लाइट जलानी है, ये बंद करना है, ये कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। क्यों सर, यहाँ पे जो लाइट नाम का रिसोर्स है वो क्या है, अभी अनलिमिटेड है, लेकिन सर लाइट जाते ही ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिटेड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा उस टाइम पे, चॉइस करना पड़ेगा कि मेरे को पंखा चलाना जरूरी है, मेरे को एसी चलाना जरूरी है, पैनल चलाना जरूरी है, या लाइट ज्यादा जरूरी है। जो मेरे लिए ज्यादा जरूरी होगा उससे मैं वही चलाऊंगा, मैं सारी चीजें नहीं चला पाऊंगा। समझ आ गई? तो चॉइस कब होती है, जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ती है सर, वहां पे चॉइस करनी पड़ती है। समझ आ गई? यहाँ पे पूछूंगा अभी, बैठा हूं मत ऐसे ही, अटेंटिव होके बैठना, और सबसे पूछूंगा अभी जो पढ़ा रहा हूं। देखो बच्चे, अब एक एक करके ना हम ये पढ़ेंगे कॉजेस क्या है। तीन कॉजेस मैंने आपको बताए थे, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ध्यान से सुनना। कहता है अनलिमिटेड वॉन्ट्स, कहता है एवरी डे वन टेक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट एंड हिज वॉन्ट्स ओरिजिनेट। कहता है जैसे ही कोई धरती पे पैदा होता है उसकी इच्छाएं क्या होती है बेटा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। देखो आप कहोगे सर बच्चा तो पैदा होता है इतना छोटा होता है, उसकी इच्छाएं कैसे पैदा हुई? बेटा उसकी नहीं होती, उसके माँ बाप की हो जाती है, ठीक है। उसके लिए भाई डायपर लेके आओ, ये लेके आओ, वो दूध की बोतल, ये सब चालू हो गया ना, मतलब अभी वो आया ही है धरती पे, धरती पे आते ही क्या चालू हो गई, चॉइस, इच्छाएं सब शुरू हो गई उसकी। अब होगा क्या, कहता है व्हेन सम वांट्स आर सेटिस्फाइड न्यू वांट्स पॉप अप। कहते हैं जैसे ही एक इच्छा पूरी होगी क्या हो जाएगा सर, दूसरी इच्छा स्टार्ट हो जाएगी, होता है हमारे साथ भी ये। कहता है मोर ओवर विद द एडवांसमेंट इन द सिविलाइजेशन न्यू वांट्स आर ग्रोइंग। कहता है जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन क्या होती चली जा रही है सर, ग्रो होती चली जा रही है, वैसे वैसे क्या होता चला जा रहा है, हमारी इच्छाएं भी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वांट्स इज दैट दे कैन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी। सर ये ना सबकी अलग अलग होती है, देखो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल समझना बेटा, अभी आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, कई स्टूडेंट्स आएंगे सर गर्मी लग रही है, एक बंदा सड़क पे बैठा होगा वो कह रहा होगा यार मुझे कहीं से पंखा ही मिल जाए, पंखे वाला क्या सोच रहा है मुझे कूलर ही मिल जाए, कूलर वाला क्या सोच रहा है मुझे एसी मिल जाए, एसी वाला सोच रहा है भाई सेंट्रलाइज्ड एसी लग जाए घर के अंदर, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सर हमारी ना डिमांड जो है या हमारी इच्छाएं है ना वो डिपेंड करती है हमारी मॉनेटरी पावर पे, जिसके पास जैसा पैसा है उसकी इच्छाएं क्या हो रही है बेटा उसी के अकॉर्डिंगली क्या होती चली जा रही है, बदलती चली जा रही है। और जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है हमारी इच्छाएं भी क्या कर रही है बेटा, साथ साथ ग्रो करती चली जाएंगी। अब आप रीजन समझना बेटा इसका बहुत ध्यान से, देखो पहले भी ये डिस्कशन हुआ है बैच के अंदर, मैंने आपको क्या बोला आपके टाइम में और हमारे टाइम में ना डिफरेंस क्या चल रहा है ये समझो। हमारे टाइम में बेटा फोन्स होते थे, नहीं होते थे सर, होते भी तो क्या होते थे, कीपैड वाले होते थे। मैंने उसमें आपको गेम बताया था मेरा फेवरेट कौन सा होता था, स्नेक बाइट वाला, खेला होगा आप सबने भी, सांप बड़ा होता जा रहा है हम खुश होते जा रहे हैं, बस एक ही गेम था, उसके अलावा कोई होता नहीं था। उसके बाद जो हमारे टाइम पे एडवांसमेंट आया था ना भाई, मैं आपको बताया था एडवांसमेंट क्या था, वो एक इतनी सी कैसेट आती थी और उसमें आता था मारियो, वो आप सबने भी खेला, वो 90s का आज तक का फेवरेट गेम है, ठीक है, कोई नहीं भूलता उस गेम को। हुआ क्या कि वो एक एरा था, लेकिन उस टाइम पे भी ना वो इतने महंगे प्ले स्टेशन नहीं होते थे। अब लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो करी, देखो आज की डेट में बेटा 5 साल के बच्चे को फोन चाहिए, टैब चाहिए पढ़ाई के लिए, थोड़ा सा बड़ा होता है मम्मी लैपटॉप दिला दो, और थोड़ा सा बड़ा हो गया एंड्रॉयड फोन चाहिए, है ना। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्या पहले ऐसा होता था, नहीं होता था सर, लेकिन सर सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है तो उस ग्रोथ के हिसाब से क्या होता चला जा रहा है, हर चीज क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो बेटा, आप सब में से मोस्टली बच्चों को 11 12th के अंदर ही स्कूटी की नीड पैदा हो जाती है कि सर हमें स्कूटी चाहिए या साइकिल चाहिए, ऐसा कुछ चलता है आजकल, ट्रेंड चल रहा है ये।
लेकिन क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। क्यों सर? सिविलाइजेशन का गैप है, पहले ऐसी चीजें नहीं थी, ना लोगों को जरूरत लगती थी, अब है, तो ऐसे ऐसे क्या होती चली जा रही है, हमारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। पहला पॉइंट समझ आ गया पक्का। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सर लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज, लेकिन सर हमारे पास उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो क्या है सर? लिमिटेड है। कहता रिसोर्सेज मींस इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। व्हेन दीज रिसोर्सेज आर सेट इन रिलेशन टू द बंडल ऑफ वांट्स, दिस लिट पिग्मी, पिग्मी का मतलब होता है बहुत छोटा सा। कहता है जब हम सारी चीजों को देखेंगे ना, जैसे जमीन को देखोगे तो जमीन को उसकी जरूरत के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जमीन बहुत कम है, और है भी। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल लिया था क्या, डब्बे पे डब्बे का, क्या सर पहले होते थे 500 गज के मकान, फिर हुए 100 गज के मकान, 100 में से अब हो गए 50 के, फिर 50 पे डब्बे पे डब्बा चढ़ गया, यानी फ्लैट सिस्टम आ गया। यही तो चल रहा है आज के डेट में। क्यों सर? जमीन तो बड़ी नहीं कर सकते हम, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जमीन कम पड़ती चली जा रही है, तो क्या हो रहा है फिर? हाइट बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो फैला नहीं सकते उसको। तो ये है हमारा लिमिटेड स्कार्स रिसोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, अब आपको नहीं, चलो पहले इसे पढ़ो फिर एक एग्जांपल से इसको पूरा खत्म करेंगे। अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज, कहते हैं एवरी रिसोर्स कैन बी पुट टू सेवरल यूज। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज 2 करोड़ रुपीज विच कैन बी पुट आइदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ और लेदर गुड्स और फूड आर्टिकल। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट फाइनली एन एंटिटी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। सर ए के पास 2 करोड़ रुपए हैं, वो खाने का काम भी खोलना चाहता है, वो लेदर की फैक्ट्री भी लगाना चाहता है, ठीक है, और वो क्या करना चाहता है यहाँ पे, क्लोथ बिजनेस भी करना चाहता है। लेकिन सर 2 करोड़ रुपए में ये सारे काम तो नहीं हो सकते, तो अब उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर? चॉइस करनी पड़ेगी कि मेरे को इन तीनों में से कौन सा काम करना है, ठीक है। मोर क्लियरली, व्हेन अ रिसोर्स हैज डाइवर्स यूज, इट विल बी यूज फर्स्ट टू सेटिस्फाई मोस्ट अर्जेंट वांट। सर इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैसे लिमिटेड है या रिसोर्स लिमिटेड है, तो आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल उस जगह पे करोगे जो सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल अब आपको ऊपर से नीचे तक सब कुछ क्लियर कर देगा। अब सपोज करते हैं बेटा एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैरिज है किसी के घर में, ठीक है। ए क्या बेटा? मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली। और ए क्या बेटा? हमारे यहां अंबानी फैमिली, ठीक है। सर मैरिज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या चाहिए हमें सर? पैसा। शादी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए होगा सर? पैसा ही लगता है। अब एग्जाम्पल समझ लेना ध्यान से, तो आपको ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पूरे टिप्स पे हो जाएंगे अभी हाथों हाथ। सर अगर मैं बात करता हूं अंबानी फैमिली की, तो अंबानी फैमिली के पास पैसे नाम का रिसोर्स क्या है? अनलिमिटेड है फिलहाल तो। तो सर वो क्या सोच रही होगी? वो अपने आगे वालों को क्या गाइड करते होंगे? भाई जो सबसे महंगा पंडाल है वो बुक कर दे, सो सबसे ज्यादा महंगी ड्रेस है वो कर ले, जो गाड़ी सबसे महंगी है वो कर ले। इवन आप ये देखो, अभी तो शादी भी नहीं करी थी, जो अभी करी है इन्होंने, पीछे प्रोग्राम करा है उसके अंदर, भाई साहब पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा हुआ कि एक एयरपोर्ट को 3 दिन के लिए प्राइवेट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो सिर्फ अंबानी के लिए अलॉट हो गया था पूरा एयरपोर्ट, समझ रहे हो? एयरपोर्ट ही उसके नाम पे रहा कि जो भी फ्लाइट आएगी आपके रिश्तेदारों की आएगी, यहां से उतरेगी घर ले जाना। ऐसा कभी अब चुना भी नहीं होगा, मूवीज में भी दिखाया अभी तक साउथ वालों ने भी ऐसा कुछ, साउथ वाले अलग ही दिखाते हैं, लेकिन इस लेवल तक वो भी नहीं पहुंचे अभी तक। लेकिन ऐसा हुआ ना बेटा, क्यों हुआ? क्योंकि सर पैसे नाम का रिसोर्स क्या है वहां पे? अनलिमिटेड है। तो सर क्या उसे चॉइस करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको ना क्लियर हो जाएगा, देखो क्या उसकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होंगी, लेकिन सर उसके पास रिसोर्स भी क्या होगा? अनलिमिटेड ही होगा। तो सर इसीलिए उसको चॉइस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर जब हम बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की, तो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर मान लो 50 लाख का बजट था हमारे पास। अब भैया 50 लाख में आपने पंडाल भी बुक करना है, आपने गाड़ी भी देनी है, आपने ज्वेलरी भी लेनी है, आपने कपड़े भी लेने हैं, ठीक है, रिश्तेदारों को भी आपने फिर देना लेना करना है। तो 50 लाख में हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि पंडाल कितने लेवल तक का खरीदना है, या हमें रेंट पे लेना है, हमें गाड़ी कौन सी देनी है, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी बेटा? क्यों? क्योंकि पैसा क्या है सर यहाँ पे? लिमिटेड है। अब समझ आ गया दोनों एग्जांपल से? पूरा क्लियर हो गया ऊपर से नीचे कॉन्सेप्ट? ये क्लियर है भाई सबको? पक्का? अभी पूछूंगा बता देना बस फिर, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। तो देखो क्या लिखा है, कहता है कंक्लूजन, व्हेन एवर इज अ स्कार्सिटी देयर इज ऑलवेज अ सिलेक्शन। एक लाइन में अगर समझोगे सर, जब भी स्कार्सिटी होगी तो वहां पे हमें चॉइस करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है डिफाइन पॉसिटी और स्कार्सिटी, ये भी बता देता हूँ बेटा।
ये लिखा ना पॉसिटी, ये मैंने क्यों लिखना स्टार्ट किया नोट्स में उसका रीजन समझ लो। पहले मैं स्कार्सिटी पढ़ाता था, किसी एग्जाम में ये पॉसिटी के नाम से आ गया, बुक में दे रखा था कि स्कार्सिटी का दूसरा जैसे आपका निक नेम होता है तो इसका निक नेम है पॉसिटी। बच्चा छोड़ाया, उसकी भी गलती नहीं थी, उसने पढ़ा ही नहीं स्कार्सिटी को पॉसिटी कहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पॉसिटी और स्कार्सिटी क्या है, दोनों सेम वर्ड है। क्या होते हैं सर, स्कार्सिटी रेफर्स टू अ स्टेट इन विच डिमांड फॉर गुड्स एंड रिसोर्सेज इज मोर देन देयर सप्लाई, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा क्या है हमारे पास डिमांड होती है, जितनी हम सप्लाई कर पा रहे हैं। अब ये आएगा बेटा आपका अगला क्वेश्चन, डिफाइन इकोनॉमी और एफिशिएंसी। मुझे कोई इकोनॉमी बताएगा या एफिशिएंसी, एफिशिएंट सुना है वर्ड कभी, एफिशिएंसी सुना है कभी, बोलो क्या होता है बेटा। फिर इकोनॉमी क्लास सुना है बेटा क्या होती है, देखो मैं बता देता हूँ। रेलवे के अंदर आप जाते हो ना, जब टिकट बुक कराते हो तो उसमें एक इकोनॉमी क्लास होती है। एयरलाइंस में भी क्या होती है हमारी, एक इकोनॉमी क्लास होती है। उसे इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा देखो सीधी सी बात है, आप इकोनॉमी में बैठ के जाओ बिजनेस में बैठ के जाओ, आप उतरोगे अपनी डेस्टिनेशन पे एक ही टाइम पे, है ना भाई। ऐसा तो नहीं कि आधा जहाज बिजनेस क्लास वाला पहले लैंड कर जाएगा उसके बाद आगे वाला करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना, सबने एक साथ ही उतरना होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, उसे इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है समझो, क्योंकि उसमें कम पैसे में आप उतनी ही दूरी तय कर पाते हो जितनी बिजनेस क्लास ने तय करी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी या इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर, हम एफिशिएंटली क्या कर रहे हैं वहां पे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा एक चैप्टर को करने में 10 घंटा लगाता है और दूसरा स्टूडेंट उसी चैप्टर को करने के लिए अंदर 3 घंटे लगाता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं किसने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया, तो सर 3 घंटे वाले ने क्या किया, ज्यादा एफिशिएंटली काम किया, क्योंकि कम टाइम में उसने ज्यादा काम करके दिखा दिया। तो ऐसे ही अगर मैं कम पैसे में कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर लेता हूं तो उसे क्या बोलूंगा, मैंने कैसा करा है, वो एफिशिएंटली काम करा है। अब समझो, कहता इट रेफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सिस, इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एट लीस्ट कॉस्ट इन द इकोनॉमी। वही बात आ गई, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना कम से कम खर्चे के अंदर। क्लियर है जी यहां तक, पक्का? हाँ जी। देखो बेटा अब आपका ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग इसने 15 साल रूल किया है बोर्ड पे, हर बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का आया है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब समझते हैं क्या है इसके अंदर। कहता है एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, बताओ सर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, यानी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। सर एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और सर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दोनों का मतलब एक ही है कि मेन प्रॉब्लम्स बताओ सर इकोनॉमी में क्या पाई जाती है। तो सर पहली जो इकोनॉमी है ना, पहली जो प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस और अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सर अभी आपने बताया था कि रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, स्कार्स है, तो सर हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन किस तरीके से करना है, उसके लिए जरा एग्जांपल समझो। बेटा पूरी दुनिया में ना जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनसे 3 चीजें बनाई जाती हैं। एक बनाया जाता है कैपिटल गुड्स, एक बनाया जाता है कंज्यूमर गुड्स, और सर एक बनाया जाता है हमारा डिफेंस गुड्स। डिफेंस का मतलब जो हमारी सुरक्षा के अंदर काम आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जरा ध्यान से सुनना यहां पे। अगर बेटा मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज क्या किए, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे यहां की सड़कें वगैरह ये सब कुछ, तो अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज इसके अंदर लगा देता हूं तो होगा क्या कि सर हमारे पास ना फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आने वाली जनरेशन के पास। लेकिन सर हमारे पास फ्यूचर तो क्या हो जाएगा, सिक्योर, लेकिन सर जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट के अंदर हमारे पास ना अच्छा खाने के लिए होगा ना पहनने के लिए होगा। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे रिसोर्स किस पे लगा दिए सर, फ्यूचर पे लगा दिए। क्लियर है ये चीज। अब सर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं सारे के सारे रिसोर्स कंज्यूमर गुड्स पे लगा दूं। कंज्यूमर गुड्स क्या है, क्लोथ, फूड आर्टिकल्स, ये। तो सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सर इसमें ना हमारा जो फ्यूचर है वो अनसिक्योर हो जाएगा, लेकिन सर हमारा जो प्रेजेंट है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि हमारे पास आज खाने के लिए बहुत अच्छा होगा, पहनने के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन सर फ्यूचर में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी। अब डिफेंस तो सर हमें करना ही करना है, तो ऊपर वाले दोनों मेरे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप मेरे को ये सजेस्ट करो कि बेटा हमें सारे के सारे गुड्स कैपिटल पे लगाने चाहिए या सारे के सारे गुड्स कंज्यूमर पे लगाने चाहिए, बताओ। सर दोनों पे लगाने चाहिए, क्यों? सर हमने पढ़ा भी है और होता भी ऐसे ही है कि प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर दोनों को क्या करके चलना है सर, हमें सिक्योर करके चलना है। तो पहला पॉइंट यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि हमारा प्रेजेंट भी और आने वाला फ्यूचर दोनों क्या हो सके सर, सिक्योर हो सके। अब पढ़ते हैं, कहता है एवरी इकोनॉमी हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बट इट हैज टू प्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द एवरी सेगमेंट ऑफ इट। कहता है हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड अमाउंट है लेकिन उसे बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस करना होता है। An economy can puts its available resources for the production of capital goods alone. वो क्या कर सकती है कि सारे के सारे resources कहाँ पे लगा दे सर? Capital goods पे लगा दे। But this alternative is not practical since it throw light only on the future. क्योंकि सर ऐसा करने से क्या होगा? सिर्फ हमारा future secure होगा। Likewise, all the resources can never be put only for the consumer goods since this alternative throw light only on the प्रेजेंट। क्योंकि सर ये अल्टरनेटिव किसको सिक्योर करेगा? प्रेजेंट को। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट डिसीजन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शुड बी वन व्हिच कीप्स इन न्यू नहीं है ये, इन व्यू बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सर हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे कि हमारा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर दोनों ही क्या हो सके सर, सिक्योर हो सके। फिर आता है more practically resources should be allocated for the production of consumer goods, capital goods and a defense goods in a rational manner. yani hame is tarike se distribute karna hai ki hamari tino needs kya ho sake sir, acche se puri ho sake. samajh aa gaya? to pehli problem kya hai sir, what to produce, kya banaya jaye. clear hai bhaiya pehli problem? chalo ab dusri problem aati hai sir hamari, how to produce. kaun si aayi sir hamari? how to, अब इसको समझ लो बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस को। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा, यहां लिखा है देखो, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। बेटा दुनिया के अंदर दो तरीके की टेक्निक यूज होती हैं, एक होती है बेटा कैपिटल इंटेंसिव और एक होती है बच्चे हमारी लेबर इंटेंसिव। सर कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है? कैपिटल इंटेंसिव में मोर machines then labor, और सर लेबर इंटेंसिव में मोर लेबर देन मशीन। ठीक है, तो सर कैपिटल इंटेंसिव में हम ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल कम करते हैं। लेबर इंटेंसिव में हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कम करते हैं। अब आप मेरे को बताओ, आज प्रेजेंट टाइम में हमें कैपिटल इंटेंसिव बनानी चाहिए या लेबर इंटेंसिव यूज करनी चाहिए, बताओ बेटा? लेबर इंटेंसिव। क्यों सर? ठीक है, इन्होंने कहा सर क्योंकि इंडिया के अंदर ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव करनी चाहिए। लेकिन बेटा क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करके वर्ल्ड को कम्पीट कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है सर, हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? कैपिटल इंटेंसिव करनी चाहिए। लेकिन सर अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करूंगा ना, तो उससे होगा क्या कि सारे इंसानों की जगह मशीनें ले जाएंगी और हमारे देश में बेरोजगारी पहले ही बहुत ज्यादा है और ज्यादा बढ़ जाएगी, यही तो होगा। अब सर कौन सी करनी चाहिए? तो बेटा इसका आंसर ये होता है, जहां पे हमें कैपिटल इंटेंसिव की रिक्वायरमेंट है हमें वहां पे कैपिटल इंटेंसिव करनी है। एग्जाम्पल समझो, मेट्रो बनी बेटा, क्या मेट्रो पूरी की पूरी मशीन ने बना दी? नहीं, वहां पे भी लेबर की जरूरत। मकान बनते हैं ना बेटा, जितनी मर्जी हाई एंड टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर आया है कि एक मशीन आएगी और आपका मकान बना के चली जाएगी? नहीं, उस मशीन को चलाने के लिए, उसके अंदर सामान डालने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है सर? लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये हमारा मिथ है कि कैपिटल इंटेंसिव के आने की वजह से लेबर कम हो जाती है। अगर ऐसा होता तो ये बताओ बेटा, मेट्रो आई दिल्ली के अंदर, क्या मेट्रो के आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ या एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया? सर कई गुना ज्यादा बढ़ गया। समझो, एक तो उसके अंदर जिसको जॉब मिली,
फिर सर उसके मेंटेनेंस वाले, उसके इंजीनियर्स, ठीक है, उसको बनाने वाले, प्लस ई रिक्शा वाले जो मेट्रो से लेके आपको घर तक छोड़ रहे हैं, कितने लोगों को काम मिला है तो, लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव ना सर। तो इसका मतलब सर हमें इंडिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिससे कि जहां पे कैपिटल रिक्वायर्ड है वहां कैपिटल करो, और जहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप लेबर की करो। अब पढ़ लो, कहता है भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक वी मीन्स टू इंक्लूड मोर ऑफ अ लेबर देन द कैपिटल। दिस टेक्निक इज लिंक्ड इन अ पुअर एंड डेवलपिंग नेशंस विच आर ओवर पॉपुलेटेड एंड हैव अ प्रॉब्लम ऑफ वास्ट एम्प्लॉयमेंट। कहता है ये टेक्नोलॉजी हमें वहां यूज करनी है जहां पे क्या है, गरीबी ज्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। मोर ओवर दिस इकोनॉमी हैव लिटिल, ज्यादातर इस इकोनॉमी के पास क्या है सर, लिटिल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस टेक्निक इज बेस्ट फॉर द नेशंस लाइक इंडिया। तो हम कह सकते हैं सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहां पे यूज होनी चाहिए, भारत जैसे देश में होनी चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है, कहता है बाय दिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वी मीन्स टू इंक्लूड मोर ऑफ द कैपिटल देन द लेबर। अनलाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक दिस टेक्निक इज लाइक्ड बाय दोज नेशन व्हिच हैव सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग। ये सर कहां पे यूज होनी चाहिए, यूएस अमेरिका जैसी जगहों पे जहां पे ऑलरेडी क्या है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। फाइनली प्रैक्टिकल डिसीजन वुड बी टू पिक अप टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्री। तो वही आंसर आ गया सर, हमें दोनों टेक्नोलॉजी साथ लेके चलनी है। जहां पे हमें कैपिटल की जरूरत है हम वहां कैपिटल यूज करेंगे, और जहां पे हमें लेबर की जरूरत है हम वो क्या करेंगे, वहां पे लेबर यूज करेंगे। ठीक है जी, अब आता है बेटा इसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल आउटपुट। हमने ये समझ लिया क्या बनाए, हमने ये समझ लिया कैसे बनाए, अब तीसरी दिक्कत क्या है, किसके लिए बनाए, है ना भाई। तो सर तीसरी दिक्कत है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। देखो बेटा इकोनॉमी में ना दो तरीके के लोग होते हैं, रिच सेक्टर और पुअर सेक्टर। रिच सेक्टर और, अब पहले तो मेरे को आप डिफ्रेंशिएट करो रिच और पुअर के बीच में, कैसे भी करो, रिच क्या है पुअर क्या है, ज्यादा पैसे हैं तो रिच है, कम पैसे हैं तो पुअर है। बेटा सीधी सी बात है, आप रहते हो इस दिल्ली के रामनगर में, विवेक विहार वाले हमें पुअर मानते हैं, वो रिच मानते हैं अपने आप को। जीके टू वाले विवेक विहार वालों को पुअर मानते हैं, अपने आप को रईस मानते हैं। बॉम्बे वाले दिल्ली वालों को पुअर मानते हैं, अपने आप को रईस मानते हैं। तो कौन रईस है कौन गरीब है ये बता दो। हो गया क्लियर, सही बात है ना। एक्चुअल में तो यही है भाई, सब ऐसी मिथ में जी रहे हो कि मेरे पे ज्यादा पैसा आ गया मैं रईस हो गया, जिससे आगे तुम रईस मान रहे हो वो कह रहा है एक बार आ तो सही घर पे मैं बताऊंगा मैं कितना रईस हूँ। ठीक है, तो रईस और पुअर और रिच के बीच में ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। बेसिकली अगर इंडिया के हिसाब से चलो या गवर्नमेंट के हिसाब से चलो, एनी पर्सन हु आर नॉट एबल टू कंप्लीट हिज बेसिक नेसेसिटीज, यानी रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन, कोई भी ऐसा पर्सन जो इन बेसिक चीजों को पूरा नहीं कर पाता बेटा, वो किस कैटेगरी में आता है, पुअर की कैटेगरी में आता है। उसके ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या मान लो अब एक नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। और देखो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है परेशान ही क्यों है मैं बताता हूँ। आज से 20 साल पहले ना दो ही होते थे, रईस और गरीब। अब 20 सालों के अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है, रिच पुअर, पुअर के अंदर लोअर पुअर भी है अपर पुअर भी है, मिडिल क्लास के अंदर लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, और उन दोनों के बीच में झूलता हुआ भी एक क्लास है। इतने क्लास क्रिएट कर दिए हमने, किसकी बेस पे कर दिए, सिर्फ जिस पे थोड़े से पैसे साल तो आ गए वो अपर मिडिल क्लास बना दिया। ठीक है, अब मान लो किसी ने गलती से ऑडी खरीद ली तो कह देंगे भाई ये अपर मिडिल क्लास है, ये नहीं पता कर्जे पे लेके आया है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, सर ऑडी ले ली थी हमें लगा अच्छा होगा पैसे वाला होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, हर चीज को मेजर करने के क्या होते हैं बेटा, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, रिच के लिए करना चाहिए या पुअर के लिए करना चाहिए, सब पे आंसर कर देते हैं दोनों। हाँ जी, पुअर के लिए करना चाहिए, लेकिन बेटा पुअर के पास ना एक दिक्कत है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कोई भी कंपनी या कुछ उसके लिए प्रोड्यूस क्यों करेगी, क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाएगा, और उसने बना भी दिया तो वो खरीद नहीं पाएगा। अब और एक्चुअल में अगर आपके आंसर पे जाएं तो क्या मेरे को कोई भी एक इंडस्ट्री बता दो, कोई भी एक कंपनी बता दो, ध्यान से सुनना बहुत जेन्युइन बात है बेटा। देखो आपका घर के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है, सोयो दुकान है, आप जाके सामान ले आओगे,
कोई झोपड़ी टूटती है तो झोपड़ी को दोबारा अरेंज करने के लिए कहीं पे दुकान देखी आज तक? नहीं है सर। कुएं के बारे में तो सोच ही नहीं रहा सर कोई, वो फैक्ट है ये। अब बताओ आंसर तो देखो बहुत ही निकल के आएगा इसका भी, ठीक है? ये तो समझ चुकी पहली ट्रिक से ही। अब बेसिकली समझो क्या है बेटा, हमें इस तरीके से प्रोडक्शन करना है रिच एज वेल एज पुअर। अब देखो रिच सेगमेंट के लिए कौन काम करती है? हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री काम करती है। और पुअर सेगमेंट के लिए कौन काम करती है सर? हमारी गवर्नमेंट काम करती है। आप जो राशन खा रहे हो एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे, आप 40-50 रुपए किलो वाला आटा खा सकते हो, लेकिन जो पुअर खा रहा है वो कैसे खा रहा है बेटा? 2-3 रुपए किलो गेहूं मिलती है, उसे 5 रुपए बिस्वाई लगती है, 7 रुपए किलो वाला खा रहा है। तो वहां पे कौन ध्यान दे रही है? हमारी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। और जो रिच सेगमेंट है उसके लिए कौन से सेक्टर बैठे हैं? प्राइवेट सेक्टर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर काम कर रहे हैं। समझ आ गया? तो इकोनॉमी दोनों को मिलकर चलेगी। आपको एक सिंपल सी कहानी है, देखो इसको समझो। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इकोनॉमी रिच को ऊपर ज्यादा डिपेंड है या पुअर के ऊपर ज्यादा डिपेंड है? रिच के ऊपर ज्यादा डिपेंड है, ठीक है। अब मैं मान जाता हूँ इस बात को, लेकिन ऐसा है नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अंबानी जी अंबानी है, उसकी सारी लेबर आज कह दे मैं काम करना बंद कर रही हूँ, क्या अंबानी जी सारी फैक्ट्रियों में जाके अकेले काम कर लेंगे? नहीं करेंगे सर। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हम जब शाहदरा से घर की ओर आते हैं तो हम रिक्शा वालों को भर भर के गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, हमारा ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन बेटा एक इमेजिनेशन करो कि आप बड़े हो गए, आप लक्ष्मी नगर या कहीं पे स्टडी करने जा रहे हो और आप मेट्रो उतरे और वहां पे एक भी रिक्शा वाला नहीं है, अब आपको घर पैदल आना है, तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो यानी कि सर जितने हम इम्पोर्टेंट हैं उतने ही वो सब भी इम्पोर्टेंट हैं। इसकी एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये ना बिल्कुल हमारी स्पिरिचुअल एक पढ़ी थी मैंने किताब में, उसमें क्या हुआ, पार्वती जी शिव जी तो जानते होंगे सारे, इतने धार्मिक तो हो ही। बेसिकली क्या हुआ कि पार्वती जी शिव जी से ये कहती हैं कि नीचे धरती पे जब उन्होंने देखा ना तो हर जगह पे लोग परेशान बहुत ज्यादा थे, कोई रो रहा था कोई धो रहा था। तो भैया उन्होंने कहा कि ये क्या कर रखा है आपने भगवान, ऐसा क्यों नहीं कर देते, सबको इक्विवेलेंट क्यों नहीं कर देते तुम? तुम पे तो शक्ति है पावर है, सबको एक बराबर बना दो। शिव जी ने कहा सृष्टि ऐसे नहीं चल सकती, आप कह रहे हो लेकिन गलत बात है ये, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है भाई, स्त्री हट कौन जीत सकता था। चलो वो जिद करती रही तो उन्होंने कहा ठीक है जैसे आप कह रहे हो ना मैं कर देता हूँ। उन्होंने क्या करा, एक गांव था उसके अंदर, उन्होंने कहा मैं पूरी सृष्टि को नहीं कर रहा, मैं एक गांव को वैसा कर देता हूँ जैसा आप चाह रहे हो। उन्होंने क्या करा बेटा, उस गांव के अंदर ना सबके पास पैसा भेज दिया, ठीक है। अब आगे की स्टोरी सुनो क्या हुआ। अब हुआ क्या कि एक बंदा निकलता है, उसके जूते फट गए थे, वो मोची के पास जाता है, कहता है भैया ये मेरे जरा, मोची को कहता है जूते सिल देना। मोची कहता है जा अपना काम कर, मेरे पास कौन सा पैसे की कमी है। सीधी सी बात है भाई, जितना पैसा तेरे पे उतना ही मेरे पे, मैं तेरे जूते को सिलूंगा, तो अपने काम कर। वो निकल गया। चलो जी ऐसे ही करते करते एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, बच्चे को लेके मां डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहता मैं क्यों इलाज करूंगा, मेरे पे भी पैसा है आज के डेट में, समझ गए। तो उसके बच्चे की डेथ हो गई, तो अब वो फिर रोने लग गए। अब पार्वती जी फिर उनके पास गई, प्रभु ये तो फिर रो रहे हैं, तो कह रहे मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि भैया सृष्टि अगर चलानी है ना तो बैलेंस रखना पड़ेगा, हमें रिच की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें पुअर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे ना बेटा, हमारे सारे काम बंद हो जाएंगे। आप खुद इमेजिन करो ना बेटा, सबके पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊंगा, तुम मेरे से पढ़ने क्यों आओगे, सारे राजा बाबू हो, इसी सी बात है। तो इसका मतलब सर अगर सोसाइटी में रहना है ना तो हमें रिच को भी लेके चलना है और पुअर को भी, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे क्या करते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर है जी? चलिए अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, हमने क्या प्रॉब्लम पढ़ी सर, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी। उसके अंदर तीन प्रॉब्लम्स थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या ये एक्चुअल में सेंट्रल प्रॉब्लम है या हमारे घर में भी पाई जाती है, बताओ? मैं बता देता हूँ, हमारे घर में भी पाई जाती है और हर रोज शाम को पाई जाती है। आप जैसे ही जाओगे, हर घर का एक कॉमन डिस्कशन है आज क्या बनाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, मम्मी का पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। अब आप बच्चे आजकल के हो रहे हैं जीनियर्स, कोई कह रहा है पिज्जा बना दो, कोई कुछ कह रहा है। अब मम्मी की अगली प्रॉब्लम क्या हो गई, भैया मुझे तो नहीं आता हाउ टू प्रोड्यूस। अब मम्मी ढूंढने लग गई यूट्यूब, हाउ टू प्रोड्यूस करने लग गई, कर दिया जी जैसे तैसे हाउ टू प्रोड्यूस, उन्होंने बना के रख दिया। अब पापा आए घर पे, ठीक है। अब पापा कहते हैं मैं फालतू का नहीं खाता, तो मम्मी कहती है फिर बनाऊं किसके लिए जब खाना ही नहीं है, तो किसके लिए हो गई वो, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो मम्मी बेचारी तीनों प्रॉब्लम से झेल रही है, हाउ टू प्रोड्यूस पहली क्या है सर, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी क्या है सर कैसे बनाऊं, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी सर किसके लिए बनाऊं। तो सेम हमारी इकोनॉमी चलती है बेटा, यहाँ पे समझ आ गई होगी अब ये प्रॉब्लम अच्छे से। चलो धन्यवाद।